इन जम्मू एंड कश्मीर का हो गया। अब कहता है कि नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ ईस्टर्न में जो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे, उस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को क्या बोला जाता है, कॉल्ड लद्दाख। लद्दाख भी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ना। और ये कहाँ पर है, हम जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। ओके, तो वहाँ के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो कौन से एनिमल्स को रेयर करते हैं, कौन से एनिमल्स पालते हैं वो लोग, वो पालते हैं यॉर्क एंड पश्मीना शीप, पश्मीना शीप। जो वहाँ की शीप है उसको क्या बोला जाता है, पश्मीना शीप। ठीक है, और रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं वो, ये तो हमने पहले भी बात की कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म है ना। लद्दाख में कौन सा रिलीजन है, बुद्धिज़्म है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न जो लद्दाख है ये जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, और वो लोग कौन कौन से एनिमल्स को रेयर करते हैं, यॉक को और पश्मीना शीप को, और जो रिलीजन है कौन सा रिलीजन है वहाँ का, बुद्धिज़्म। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जो हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये फेमस है किसके लिए, टूरिज्म के लिए। किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर टूरिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ की जो सीनरी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो घूमने के लायक है ना, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, और इसीलिए टूरिज़्म ये फेमस है टूरिज़्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस आ गए निशात एंड शालीमार गार्डन, ठीक है, गुलमर्ग, पहलगाम, अमरनाथ केव, ठीक है, वैष्णो देवी टेंपल, हजरत बल, एंड शाह हमदन मास्क्यूस एटसेट्रा। ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। कौन कौन से, निशात एंड शालामार गार्डन, गुलमर्ग, पहलगाम, अमरनाथ केव, वैष्णो देवी टेम्पल, हजरत बल एंड शाह हमदन मास्क्यूस। ठीक है, ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पर जो है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया पीपल केम फॉर ट्रेवलिंग और विजिटिंग। ठीक है, घूमने के लिए जो है लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एंड वेयर इट इज़ लाई, इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया, एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 3 डिविजन्स, जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हेवन ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स सीनिक ब्यूटी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस इन इंडिया। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टूरिस्ट प्लेसेस, मैनी टूरिस्ट प्लेसेस आर इन कश्मीर। ओके, एंड इन श्रीनगर देर आर टू लेक्स, डल एंड नागिन लेक्स, ठीक है, वेयर पीपल इंजॉय बोटिंग इन शिकारास। ठीक है, एंड द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज श्रीनगर, एंड जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली स्टेट विच हैज़ इट्स ओन फ्लैग। ओके, सो देर आर मैनी मोर, एंड वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर,
दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज़ वेरी कोल्ड एंड ड्यूरिंग समर सीजन पीपल ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस मेज राजमा एटसेट्रा फ्रूट्स लाइक एप्पल्स पीचीज वॉलनट्स केसर एंड चेरीज ओके एंड देर आर शीप एंड गोट वाई देर आर शीप एंड गोट देर आर शीप एंड गोट फॉर वूल है ना देर आर शीप एंड गोट फॉर वूल ओके एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन दे स्टे एट होम एंड मेक हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम वुड ब्रास सिल्वर एटसेट्रा एंड दे ऑल्सो वीव साड़ीज शॉल्स एंड द नेक्स्ट इज कारपेट्स ओके एंड दे मेड दीज थिंग्स बाई हैंड नो मशीन इज यूज इन मेकिंग दैम ओके एंड दे ड्रिंक अ स्पेशल टी विच दे कॉल इन देयर लैंग्वेज अ कावा ओके एंड द फेमस एंड द लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर कश्मीरी डोगरी लद्दाखी एंड उर्दू ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर द पीपल एंड द लाइफ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट स्टेट विच ऑल्सो लाइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड दैट इज द हिमाचल प्रदेश ओके नो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिस्कस अबाउट द स्टेट दैट इज हिमाचल प्रदेश ठीक है इट इज ऑल्सो माउंटेनियस स्टेट ये भी क्या है पहाड़ी एरिया है यहाँ का भी पहाड़ी स्टेट है ठीक है और यह इसकी कैपिटल जो है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला क्या है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और हिमाचल प्रदेश में भी क्या है बहुत सारे रिवर्स हैं वैलीज हैं हिल्स हैं पासिस हैं ठीक है क्या है यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं वैलीज हैं हिल्स हैं पासिस हैं ठीक है और जो हिल्स हैं जो हाई बहुत ऊंची ऊंची जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे विंटर में क्या होती है विंटर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है ठीक है कहाँ पे जो माउंटेन्स हैं ना वहाँ पे क्या होती है विंटर में स्नोफॉल होती है ठीक है और जो हिमाचल प्रदेश है इसका जो बॉर्डर है ठीक है जो बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश का वो कौन कौन से स्टेट के साथ लगता है वो लगता है नॉर्थ में लगता है वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ ठीक है इन नॉर्थ नॉर्थ में किसके साथ लगता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ ठीक है उसके बाद पंजाब के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है ठीक है पंजाब के साथ लगता है टू द साउथ वेस्ट में ठीक है उसके बाद पंजाब के बाद आ जाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर लगता है हिमाचल प्रदेश का और वो कौन सा आ जाता है साउथ में लगता है ठीक है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में साउथ में लगता है ठीक है उसके बाद उत्तराखंड का भी आ जाता है उत्तराखंड के साथ भी जो है वो हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है वो लगता है साउथ ईस्ट में ठीक है जम्मू एंड कश्मीर का मतलब ये जो बॉर्डर लगता है ठीक है बॉर्डर एरियाज हैं जी बॉर्डर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश ठीक है किस किस के साथ बॉर्डर लगता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ बॉर्डर लगता है नॉर्थ में पंजाब के साथ लगता है साउथ वेस्ट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगता है साउथ में और उत्तराखंड के साथ लगता है साउथ ईस्ट में ठीक है तो जो टोटल एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो कितना है
टोटल एरिया 55,670 किलोमीटर स्क्वायर, टोटल एरिया हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, 55,670 किलोमीटर स्क्वायर। और हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है ना, वो हमारी इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जिसकी जो जिसकी इकोनॉमी जो है वो सबसे हाई है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, इसकी इकोनॉमी जो है वो सबसे हाई है, ठीक है। और जो अब अगर लाइफस्टाइल की बात की जाए, यहाँ के हिमाचल प्रदेश के लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, तो वो क्या है, हम कश्मीरीज के साथ इसका बहुत ही मिलता जुलता है, सेम एज कश्मीर, जो कश्मीरीज है ना उसके साथ उन्हीं उन्हीं की तरह जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी जो है वो लाइफ स्टाइल है, ठीक है। यहाँ के लोग भी क्या हैं, फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग कौन कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं, वो लगाते हैं राइस, मेज, वारले, ठीक है। और फ्रूट कौन कौन से होते हैं हिमाचल प्रदेश में, वो भी सेम होते हैं जैसे कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर भी क्या है पहाड़ी, वहाँ पे भी ठंड होती है और यहाँ पे भी ठंड होती है, इसीलिए फ्रूट्स भी क्या है मैक्सिमम सेम है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, प्लम्स, पेयर्स, ठीक है, पीचेस एंड ग्रेप्स। कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, प्लम्स, पेयर्स, पीचेस एंड ग्रेप्स, ठीक है। और यहाँ के लोग कौन से एनिमल्स पालते हैं, यहाँ के लोग भी सेम जो कश्मीर के लोग जो एनिमल्स पालते हैं वही यहाँ के लोग भी पालते हैं, ये भी शीप एंड गोट को ही पालते हैं, ठीक है। ये लोग भी किसको पालते हैं, शीप और गोट को। और यहाँ की जो लैंग्वेज है, मोस्टली पीपल जो है कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, हिमाचल के लोग जो हैं वो मैक्सिमम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इनकी ड्रेस की, ड्रेस की बात की जाए, तो जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या करते हैं, वेयर लॉन्ग लूज वुलन क्लॉथ्स एंड पजामास। वो क्या करते हैं, लंबे लंबे और लूज लूज वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और उसके साथ वो क्या करते हैं, पजामा पहनते हैं, ठीक है। और जो आदमी है वो क्या करते हैं, मैन वेयर एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स पहनते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं जिनके ऊपर कढ़ाई की गई होती है, ठीक है, जिनके ऊपर कुछ कढ़ाई की गई होती है, वो क्या करते हैं आदमी, वो कैप्स पहनते हैं। एंड वुमेन वुमेन क्या करती हैं, वेयर स्कार्फ, जिसको वो क्या बोलते हैं, धजू, क्या बोलते हैं वो स्कार्फ को, धजू, वो पहनती हैं, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। मेन क्या करते हैं, मेन क्या करते हैं, वो एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स पहनते हैं। और वुमेन जो होती हैं, वुमेन क्या करती हैं, वो स्कार्फ पहनती हैं, जिसको क्या बोला जाता है, धजू, ठीक है। और कुछ वुमेन क्या करती हैं, वो कैप्स भी पहनती हैं, जो मेन कैप पहनते हैं वही वुमेन भी क्या करती हैं, वो कैप्स पहनती हैं, ठीक है। और वहाँ के जो लोग हैं उनको सिंगिंग और डांसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और वहाँ का जो फेमस जो फोक डांस है, नाटी, जिसको वो क्या बोलते हैं, नाटी, नाटी क्या है, वहाँ का फेमस फोक डांस है, ठीक है, क्या है, वहाँ का फेमस फोक डांस है जो क्या है, नाटी, ठीक
ठीक है, और बहुत से हिमाचलीज क्या हैं, हिंदू हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, बहुत से हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और वहाँ की अगर अब हम बात करें हिल स्टेशंस की, तो वहाँ पे कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पे डलहौजी, डलहौजी एंड सोलन, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश के फेमस हिल स्टेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, और कब जाते हैं, गर्मियों में जाते हैं, समर में यहाँ पे घूमने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो जगह है जिसका नाम है कुफरी एंड नरकंडा, नरकंडा, कुफरी और नरकंडा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये विंटर स्पोर्ट्स के लिए, जैसे स्कीइंग, 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 स्कीइंग क्या होती है, स्कीइंग होती है स्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, जब स्नो पड़ी होती है तो लोग उसके ऊपर स्केटिंग करते हैं ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्कीइंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो कुफरी एंड नरकंदा है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स के लिए ये फेमस प्लेसेस हैं, क्योंकि स्नोफॉल कब होता है, विंटर में होता है, तो यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स की जाती हैं। स्कीइंग जो है स्केटिंग को ही बोलते हैं, तो स्कीइंग जो है यहाँ उस टाइम पे फेमस गेम है यहाँ की, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला है। क्या है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, हमने बात की, शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और एरिया कितना था, 55,670 स्क्वेयर किलोमीटर जो है यहाँ का एरिया है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर कौन कौन से स्टेट के साथ लगता है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ नॉर्थ में, पंजाब के साथ साउथ वेस्ट में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साउथ में, और उत्तराखंड के साथ साउथ ईस्ट में जो है हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर टच करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की कि ये लोग कौन कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं, तो ये लोग लगाते हैं राइस, मेज, बाले, ठीक है, एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स में आ जाते हैं एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, प्लम्स, पेयर्स, पीचेस एंड ग्रेप्स, एंड देर आर शीप एंड गोट फॉर वूल, ओके, एंड दे स्पीक हिंदी, द लैंग्वेज, विच लैंग्वेज दे स्पीक, दे स्पीक हिंदी, ओके। एंड द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर लॉन्ग लूज वुलन क्लोथ्स एंड पैजामाज, एंड मैन वेयर एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स एंड वीमेन टाइट स्कार्फ विच दे कॉल धजू, व्हाट दे कॉल द स्कार्फ इन द लैंग्वेज, धजू, ओके। एंड सम वीमेन ऑल्सो वेयर कैप्स, एंड पीपल लव सिंगिंग एंड डांसिंग, एंड नाटी इज द फेमस फोक डांस, नाटी इज द फेमस फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द हिमाचलीज आर हिंदू, एंड दैट्स वाई दे सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल। एंड द फेमस हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश आर डलहौजी एंड सोलन, एंड कुफरी एंड नरकंदा आर फेमस फॉर विंटर सपोर्ट्स, विंटर सपोर्ट्स, ठीक है। एंड द फेमस विंटर सपोर्ट इज स्कीइंग, स्कीइंग इज सेम एज स्केटिंग, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट हिमाचल प्रदेश, ओके। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट टू स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, दैट इज वन, फर्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर, एंड सेकेंड वन इज हिमाचल हिमाचल प्रदेश। वी डिस्कस अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दीज टू स्टेट्स, द क्रॉप्स दे ग्रो, द फ्रूट दे ग्रो, द फूड दे ईट, द वॉट दे ड्रिंक, ओके, एंड देयर फेस्टिवल्स, द फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट, एंड द ड्रेस, अबाउट द ड्रेस, विच टाइप ऑफ ड्रेस दे वेयर, अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दीज टू स्टेट्स, वट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। सो इन टुडे लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द टू स्टेट्स, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, एंड दीज टू स्टेट्स लाइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, ओके।
ओके, थैंक यू।